नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर। हम लोग आज खड़े हुए हैं द लेजेंड संदीप बिरादार साहब। हमेशा जब बोलता हूं ना, इनकी बड़ाई करता हूं, इनके चेहरे पे ना एक अलग तरीके का भाव आ जाता है। बोलते यार मुझे क्यों इतना बड़ा बना रहे हो सर। हर कोई चाहता है आज कबूतरबाजी में बड़ा बनना, आप नहीं चाहते? ये शौक है ना सर। हाँ बराबर है। हाँ। बड़ा छोटा क्या है? अच्छा क्या बात है, एक नंबर बात बोल रहे हो सर आप तो। मतलब आप किसी के घर में दो कबूतर है वो भी अपनी बिरादरी से बिलोंग करता है? कबूतरबाज है ना, बस हो गया ना। जिसके पास 1000 है वो भी कबूतरबाज है, जिसके पास 2 है वो भी कबूतरबाज है। तो हम लोग खड़े हुए हैं आप लातूर में। लातूर महाराष्ट्र एक बहुत ही प्रचलित जगह है। हम लोग देखना चाहे अगर लातूर के बैकग्राउंड की बात करूँ तो स्वर्गीय श्री विलासराव देशमुख जी का ये गाँव है लातूर, जहाँ पे 10 साल वो सीएम रहे महाराष्ट्र के, उनका ये गाँव है। वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं संदीप बिरादार साहब के पास में, जिनके पास बहुत ही जबरदस्त नायाब किस्म के कबूतर है। अगर हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल मेरे हाथ में एक गोल्डन कबूतर अवेलेबल, गोल्डन ही है ना सर, गोल्डन कबूतर है और बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं है। देख लीजिए सिंदूरी पलक जो बोलते हैं हम लोग, उस पलकों में ये कबूतर है। बहुत ही शानदार आँखों का कबूतर है। और इसके अगर हम पर की बात करें तो हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे बारिश चालू हो गई। बाकी सभी किसान भाइयों के लिए सौभाग्य होगा, लेकिन हम जो शौक करते हैं हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अभी अचानक से बारिश चालू हो गई। और इसके बाद में हम आपको दिखा रहे हैं टेडी है। टेडी कौन सा टेडी है? प्योर टेडी कबूतर है। ठीक है, इसको हम लोग दिखा रहे हैं आपको। इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट लाइन है ये। अब आप ये मत पूछिएगा कैसे इम्पोर्ट किए, कहाँ से हुआ, लेकिन ये इम्पोर्ट हुए हैं डायरेक्ट पीए के से। ठीक है, और जिन भाई के यहाँ से इम्पोर्ट हुए हैं, उन भाई का ऐसा है कि उनके यहाँ के कबूतर रखने के हर एक इंसान को जो हाई फ्लायर्स का शौक करता है उसकी इच्छा होती है कि उनके घर का कबूतर उनके पास रहे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब किस्म के कबूतर है। परों की अगर हम बात करें तो थोड़े लंबे और सीधे परों का कबूतर है ये टेडी में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सीधे पर होते हैं नहीं है, इसमें कबूतर ज़्यादा गोल घेरे में नहीं उड़ता है, ज़्यादा लंबी पट्टी में उड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूंछ की बात करें तो ये इस तरह की है और ये इसके नया पंजे हैं। ठीक है, टेडी कबूतर की खड़ान नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी बोलते हैं हम। लास्ट में आपको उनको उनकी खड़ान भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जिन महापुरुष ने इनको इम्पोर्ट किए हुए हैं उनके बारे में बात करें। शौक की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत सारे लोगों के पहले फैंसी पिजन थी सर। अच्छा, बाद में विशाल राठौड़ मेरे फ्रेंड है, हाँ, उन्होंने ये हाई फ्लाइंग का शौक लगाया। अच्छा, आप अभी बता रहे थे डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप कबूतरों के बीच में रहो। हमारे घर वाले हमको मार मार के भगाते थे कबूतरों के बीच में से, आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया? नहीं है, लवबर्ड भी है, कॉकटेल भी है। अच्छा, क्या लगता है स्पेस कम होता है इस शौक में आने के बाद? क्या लगता है मतलब छत पे आने के बाद क्या लगता है? बस पूरा भूल जाते हैं, भूल जाता हूँ, पूरा भूल जाते हैं। अच्छा, पूरा रिलैक्स हो जाता है। कौन से कबूतर है सर? और मुझे एक बात बताइए, यही कबूतर पसंद आए? इंडिया में इतनी सारी वेराइटीज है हमारे पास जी। हमारे पास शाहजहानपुरी है, सारंगपुरी है, रामपुरी है, फिरोजपुरी है, इलाहाबादी है, कलदुम्मे है, नीलदुम्मे है, सियाल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी उसके बाद भी आपको यही कबूतर पसंद है? पाकिस्तानी जो मतलब इंडिया के बाहर की जो कबूतरबाजी वो आपको पसंद है, ऐसा क्यों? नहीं पसंद, मेरे पास भी कलदुमे है, नीलदुमे है, सारंगपुरी है, प्योर सारंगपुरी है वो। अच्छा, हाँ हाँ, सामने बैठा हुआ है जी, बराबर है जी जी जी। इंडियन ब्रीड पूरी है मेरे पास जी, लेकिन अभी ट्रेंड जो चल रहा है, हाँ, सबके मुंह से सुना था कि इनकी उड़ान शाम तक की है। अच्छा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया के लिए? नहीं नहीं, वो देखने के लिए मैंने ये इम्पोर्ट की है। अच्छा, और रिजल्ट भी देखा है उनका। क्या रिजल्ट रहा आपके? रिजल्ट मेरे पास 4:30 बजे तक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ आपकी, तो आपने तो इंडस्ट्री बना ली, मतलब इसकी में अगर देखा जाए तो आपके पास ग्रीड आ गई है, आपके पास आपने पिजन्स के लिए फीड कर लिया, उसके बाद और क्या है आपके पास? नहीं, पिजन फीड है, हैंड फीडिंग फार्मूला है। अच्छा, केरला ग्रिड है, बेल्जियम ग्रिड है, पिजन केयर कैप्सूल है। पिजन केयर कैप्सूल जो है अपनी जीप भाई, उसका रिजल्ट 3 दिन में आता है। अच्छा, सूखे की हर्बल प्रोडक्ट है, उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मल भी दिए सभी भाई तो पिजन बीमार नहीं होते जल्दी। अच्छा, ये रिजल्ट है, जिन्होंने यूज किया है उनको भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, आपने अभी आप कितने साल से कबूतरबाजी में? 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल से आप कबूतरबाजी में? क्या लगता है हमारे पास क्या नहीं है? एक शौक के दरमियान पूछ रहा हूँ मैं, आपको क्या लगता है कि इस चीज की कमी लगती है? कमी क्या है, मैंने जो आउट ऑफ इंडिया का देखा है, कंट्री कोई सी भी रहे, मेन जो देखा है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कमियां ब्रीड शेयर करते हैं, खामियां है वो सब एक दूसरे को शेयर करके उनको बढ़ावा देते हैं। इंडिया में मैं जो देख रहा हूँ, हमारे लोकल लातूर से भी चालू किए, नया शौकीन है तो उसको कोई ही सपोर्ट नहीं करने वाला।
अच्छा बराबर है, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो कोई अपनी बात उन तक नहीं जाने देगा। अच्छा, ये खामियां है। क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे के रीजन? उस्ताद भी है, क्यों छुपाता है? हर पार्टी के उस्ताद है, आप भी एक उस्ताद हो, सभी उस्ताद है, बराबर है। उनके जो शागिर्द है उन तक ही सीमित है। सर आपने कभी पूछा नहीं मुझसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, पूछने की बात नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी से पूछा है तभी तो बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैंने पूछा है किसी से, मुझे उसका रिजल्ट आया नहीं या रिप्लाई आया नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वही हो गया ना फिर कबूतरबाजी। पार्टी वाले उनके शागिर्द है, बराबर है ना, उनके उस्ताद उन्हीं को बोलने वाले। नॉर्मल लोगों तक कब जाने वाला है, तभी इंडिया की कबूतरबाजी आसमान छुएगी ना। अच्छा, बराबर। तो आपको ये ड्रॉबैक नजर आता है जी कि ये सिर्फ मतलब ऐसा है कि खुल के सामने नहीं आ रहा है, छुप छुप के सिर्फ अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कहीं ना कहीं? तो भाई जो जो भाई ऐसा करते हैं, मैं सभी से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे पहले। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई यही बोलने वाला है जी। उसका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपने उस्ताद तक ही बोलेगा, बराबर। उस्ताद के ऊपर है, मैं किसी का नाम नहीं रखने वाला, लेकिन उस्ताद की खुद की खूबी वो होनी चाहिए। कबूतरबाज किसी भी पार्टी का जुड़ा रहे, बराबर है ना। वो अगर कुछ पूछ रहा है आपसे, खुले दिल से बोलो ना। कबूतरबाजी ऊपर थोड़ी लेके जाने वाले, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जहाँ तक नहीं, रिप्लाई नहीं, मुझे उनका बोलना था कि आप हमारी पार्टी से जुड़ो। अच्छा, हमारे बंदे आपके पास आएंगे लातूर में, हमारी पार्टी से जुड़ो, फिर हम सब बोलने वाले, बराबर है जी। ये तो ये हो गया ना फिर। टेडी कबूतर जो है वो फ्लाइंग में कहीं भी किसी भी मापतोल में बैठ रहा नहीं है लोगों का, या टेडी के कोई रिजल्ट उनके सामने नहीं है? क्या लगता है, आपने पर्सनली उड़ाए हैं टेडी कबूतर? उड़ाए हैं। क्या रिजल्ट आया? मेरे पास 3 बजे के आगे का टाइम। फिर उन लोगों को रिजल्ट नहीं आया, उसका रीजन क्या हो सकता है? बराबर है, आप जम्मू की बात कर रहे हो जी। जम्मू का और यहाँ का टेम्परेचर जमीन आसमान का फर्क है जी। आप जहाँ से ब्रीड लाए वहाँ का टेम्परेचर और जम्मू का टेम्परेचर, कंपेरिजन नहीं होता ना, बराबर है ना। क्या टेम्परेचर रहता है यहाँ पर? हमारे यहाँ 42-43, वहाँ पे भी सेम टेम्परेचर था? नहीं, कितना, 1 दिन 2 दिन? नहीं नहीं, बाकी साल भर में आप कबूतर रख रहे हो कहाँ, बराबर है ना। ये लॉक में हवा तो जाने वाली है, हाँ। बर्फ पड़ती है जम्मू में। तो क्या लगता है आपके पास जो पेयर से, मुझे लगता है कि अगर हम लोग पैसे की तो बात ही नहीं कर सकते, हम लोग अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं बर्स कर सकते, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। इतने महंगे कबूतर 3 बजे तक उड़ रहे हैं सिर्फ। इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है सर जहाँ पे इलाहाबाद में शाम तक कबूतर उठते, तो आपने उन पे क्यों नहीं फेंक किया, इन पे क्यों फेंक किया? फेंक का बात नहीं है, अभी जोर किसका है? अच्छा, हवा के हिसाब से, जिसकी सरकार है उसके तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा बोलना है आपका? अभी ऑल ओवर वर्ल्ड अगर ब्रीड की सोचा जाए, अच्छा, तो टेडी टॉप पे है, बराबर है। अपनी भी ब्रीड टॉप पे है, रामपुरी है, सहारनपुरी है, इलाहाबादी भी, सभी है, शाहजहानपुरी है, बराबर है। ये सभी इंडियन टॉप ब्रीड है, इनसे भी 1-2 कदम आगे चल रहा है टेडी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये इंडियन ब्रीड से? कौन से? ये जो टेडी वगैरह, मैंने जो सुना है या देखा है यूट्यूब के वीडियो माध्यम, रामपुरी है, उसमें सभी का बोलना आता है। आपको क्या लगता है पर्सनली, व्हाट इज योर थिंकिंग? मेरे पास रामपुरी भी है, हाँ, टीडी भी है। आपको क्या लगता है जो रामपुरी में दिख रहा है, हाँ, मुझे टीडी में भी दिख रहा है? दिख रहा है पक्का जी। अच्छा, चेंजेस है, हाँ, उन्होंने अलग अलग ब्रीड मिक्सअप करके जो टीडी बनाए है उसमें कहीं ना कहीं तो टच टीडी इसमें रामपुरी का है 100%, मुझे तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है, लगता है, मतलब आपको ये है, पर रामपुरी इतना बल्कि कबूतर है, फिर टेडी इतना पतला है, तो शॉर्ट किया ना उन्होंने, अलग अलग ब्रीड को मिक्स कर, बराबर है, क्रॉसिंग करके फिर टेडी बना। क्या आपको कभी उन्होंने बोला ऐसा कि रामपुरी कबूतर हो या इंडियन कबूतर? नहीं, हमने मिला है, मैंने कभी भी किसी से भी, हाँ, टेडी में रामपुरी है ये बात पूछा नहीं, पूछा ही नहीं आपने? जरूर। तो ये आपको हम लोग दिखा रहे हैं ओरिजिनल टेंट वाले कबूतर जो कि सियालकोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं आपको इससे पहले जम्मू की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर हम लोग जम्मू से चले सियालकोट की तरफ तो हम 15 किलोमीटर के दूरी पे थे सियालकोट से वहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल राजा हरिचंद के, हरि सिंह के पास की ये जो ब्लड लाइन थी, ये बाद में इंडिया में मेंटेन ना होके पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई ये ब्लड लाइन, ठीक है। और ये बिलोंग करते हैं सियालकोट फैमिली से, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। ये कबूतर आपको इनका स्ट्रक्चर और इनके कलर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल मतलब 35 वालों से थोड़े मिलते, बटेरों से मिलते हैं थोड़े जी। 35 वाले इसमें से ही बने वाले ना, 35 वाले इसमें से बने, और बटेरे भी इसमें, मतलब ये ओरिजिनल ब्लड लाइन में से हैं।
ठीक है, तो नर का आपको शोक कराते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। थोड़े गीले हो गए हैं कबूतर, लेकिन इस ट्रेंडिंग में कहीं छूकेंगे नहीं मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जो डार्कनेस होता है इनकी फैन, थोड़ी धुंधली आंखें होती है बाय डिफॉल्टली अगर हम बोलना चाहें तो। ये आपको ओरिजिनल ब्लड लाइन हम लोग दिखा रहे हैं, और आपको हम लोग इनकी पीछे की कथा नहीं बता सकते कि ये कैसे इम्पोर्ट हुए, लेकिन ये बिल्कुल 110% ओरिजिनल कबूतर है, ठीक है। जो कि प्रॉमिसली सिर्फ और सिर्फ संदीप भैया जो है हमारे, उनसे ही ये पॉसिबल हो सका है कि उन कबूतरों को यहाँ तक लाए ये, ठीक है। पंजों का शोक कीजिए आप, उसके बाद फीमेल भी आपको दिखाते हैं हम लोग, और बाद में लास्ट में आपको स्टैंडिंग भी चेक कराएंगे हम लोग इन कबूतरों की। ये देखिए, तो आप अवेलेबल भी हो सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो इनमें से बच्चे भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल ब्लड लाइन, बिल्कुल ओरिजिनल ब्लड लाइन, ठीक है। आप छोड़ के दिखाते हैं आप, मतलब आप 35 वाले बोल लीजिए इनको, 35 वाले में से मतलब इनमें से निकले हुए हैं 35 वाले, और बहुत सारी जो सियालकोट से बिलोंग करने वाली जो फैमिलीज है वो सारी इसमें निकले। चूहे बोल सकते हैं आप, बटेरे बोल सकते हैं आप, ये सारे इनमें से ही आपको मिले हुए कबूतर बोल सकते, ठीक है। ये और दिखा रहे हैं आपको एक साथ छोड़ के, और भी अद्भुत, तो ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग मोती वाले गोल्डन, ये जो है ये प्योर मोती वाले गोल्डन आपको दिखा रहे हैं हम लोग, बहुत ही शानदार कबूतर है, बहुत ही शानदार, ठीक है। इसमें नर दिखा रहे हैं आपको हम लोग, सर उड़ान की क्या बात, कुछ देख शाम तक की उड़ान, शाम तक की उड़ान, शाम तक क्या बात। यह ऐसा है इन कबूतरों का वेदरिक, अगर आपके पास अगर एयर हो, मतलब एयर ज्यादा रही, हवा ज्यादा रही तो थोड़ा लेट बंद होंगे, और हवा अगर कम रही तो ये कबूतर तुरंत ही जाके एक घंटे के अंदर अंदर आपके कबूतर जो है बंद हो जाते हैं, डिपेंड ऑन आपके आप कैसा खेल पानी करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। स्टैंडिंग चेक कराते हैं, सबसे मेन जो है वो स्टैंडिंग है, ये देख लीजिए आपको दिखा रहे हैं हम लोग, क्या बात, क्या बोलूं मैं इन कबूतरों को, कासनी कबक कमकर दिखा रहे हैं आपको हम लोग, और इंपोर्ट लाइन है, प्योर इंपोर्ट लाइन, इंडियन नहीं है ये लोग, ये जो है ये इंपोर्ट ब्लड लाइन के कबूतर आपको दिखा रहे हैं हम लोग, और क्या ही कबूतर है यार, मतलब सर्वगुण संपन्न बोल सकते हैं आप इनको, फ्लाइंग इनकी बहुत डेंजर होगी मेरे ख्याल से। मैं आपको मेल दिखाऊंगा, सबसे पहले पंजे देख लो, पूरे नीले पंजे हैं, ठीक है, शौक करिए आप, नीले पंजे हैं पूरे। अब आप आंखों का शोक कीजिए और पलकों का भी शोक कीजिए साथ साथ, क्या ही कबूतर है, पंख चेक कीजिए अब आप। अभी हम लोग है ना गलत टाइम पे आए हुए हैं, एक्चुअली मैं फ्री टाइम पे आने वाला हूँ सर के पास, उस टाइम पे हम लोग धूप में आपको एक बार वीडियो का शोक कराएंगे इन कबूतरों का। नॉर्मल लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये है नहीं नॉर्मल कबूतर, मैं अभी
इनमें से कुछ बने हुए कबूतर जम्मू में देख के आऊँ, उसके बाद इनको देख रहा हूँ ना मैं, तो मेरी आंखें खुल रही है कि क्या ही कबूतर है। ठीक है, फीमेल दिखाते हैं आपको। सर भोपाल के जो कासनी कबूतर है बिल्कुल मेल खाते हैं आप, बस आंखें नहीं है उनकी गोल्डन, मतलब जो इस तरह की लाल आंखें हैं वो है नहीं। इनको सिलेटी का मगर बोलते हैं। हाँ सिलेटी बोलते हैं, लेकिन भोपाल में भी सिलेटी है। कासनी अलग है, कासनी अलग है, सिलेटी अलग है। अच्छा जी, अच्छा इनका एक बच्चा भी है हमारे पास में, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये बच्चा है, ये मेल बन गया है अभी। पंजे देखिए, ये उड़ा हुआ है सर, उड़ा हुआ। सर के पास टाइम ही नहीं है तो, और क्या ही आँख है इसकी देखिए आप। छोड़ के दिखाते हैं इनको, खड़ान चेक कीजिए वाला वजूद और खड़ान। तो ये आपको हम लोग दिखा रहे हैं, ऐसी चीज दिखा रहे हैं हम लोग आपको। अभी सर पहले मुझसे बोल रहे थे दो जोड़े आपने लिया है, आपने 3 लाख रुपए का है, तो ये आपको हम जोड़ दिखा रहे हैं हम लोग। प्योर टेडी, बस प्योर टेडी ही बोल सकते हैं हम लोग इसको। सफेद नाक के ऊपर आप नथुनों के ऊपर फूल देख रहे होंगे इन कबूतरों के, बहुत ही अल्टीमेट मतलब आपको बोल सकता हूँ, अल्टीमेट कबूतर है, अद्वितीय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं आपको नर से शुरुआत करते हैं हम लोग इस बार, फिर से एक बार। पंखों का शौक कीजिए जनाब, ये देखिए कितने बिछे हुए पंख, वाइब्रेशन देखिए कबूतर पंखों में, वाइब्रेशन पूरा वाइब्रेट करने लग गया कबूतर। ये पूछ चेक कीजिए आप, इनके बच्चे आपको अवेलेबल हो सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे इनके बच्चे रहे तो आप बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे। फीमेल दिखाते हैं इसके बाद आपको हम लोग, बिल्कुल छोटी सी फीमेल है। ठीक है, और प्योर इंपोर्ट लाइन है, कोई मिलावट नहीं, इंडियन कहीं से कहीं तक कोई टच नहीं है। ठीक है, वो ऊपर क्या है इनमें, रामपुरी है या ईरानी है या पंजाबी है वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये जो है प्योर इंपोर्ट लाइन के कबूतर आपको दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी बारिश के चलते जो है ना थोड़े परेशान है कबूतर, और हम भी परेशान हैं। जोड़ा दिखाते हैं आपको, उससे पहले एक बार वो जोड़े के ऊपर फोकस कीजिए, स्टैंडिंग चेक कीजिए, स्टैंडिंग चेक कराइए। क्या बात, बहुत शानदार। सेकेंड पेयर दिखा रहे हैं आपको हम लोग, तो बिल्कुल आपको अभी हम लोग सिमिलर क्वालिटी में सेकेंड पेयर दिखा रहे हैं। अभी ये तोड़ के रखे हुए हैं जोड़े वैसे तो बारिश के चलते, लेकिन क्या ही बात है, और बहुत ही शानदार ये कबूतर है। मैं आपको मेल की आंखों से रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसकी आँख, वाइब्रेशन चेक कीजिए, और ये पूछ, और ये फीमेल दिखाते हैं। सगळे
ये जो फीमेल है ये डायरेक्ट इम्पोर्ट लाइन की कबूतरी है, प्योर इम्पोर्ट ब्लड लाइन से आपको हम लोग रूबरू करा रहे हैं। आप चेक कीजिए इसमें क्या ही वाइब्रेट कर रही है, पूरा पूंछ देखिए इसकी। छोड़ के दिखाते हैं, प्योर ब्लड लाइन में आपको टेटू दिखा रहे हैं हम लोग। सर इतने अच्छे अच्छे कबूतर आपके पास है, आपको कभी ऐसा अपने आप में थोड़ा वो नहीं होता है, गंदे से घमंड आ जाता है इंसान को कई बार? घमंड परिंदों पे घमंड क्या लगता है आपको, इतने अच्छे इम्पोर्टेंट ब्लड लाइन आपके पास में है उसके बावजूद भी आप अपने आप को सोशल नहीं करना चाहते, क्या रीजन है? रीजन मकसद क्या है? जो प्योर ब्लड लाइन है जी इंडिया में अगर किसी के पास रही हाँ, तो भी प्योर आगे ब्रीड करके वो दे रहे नहीं किसी को। अच्छा, ना मकसद है कि वही इंपोर्ट करने की अब किसको जरूरत नहीं। अच्छा, वही ब्रीड अपन सबको ओरिजिनल जो प्योर ब्लड लाइन है वही हम देने वाले। क्या लगता है आपको इंडिया में है ये कबूतर? शायद होंगे सभी के पास, लेकिन प्योर नहीं मिल सकते आप, अपन बोल नहीं सकते अच्छा किसके पास है या नहीं। अच्छा ओके, तो अभी आपको कुछ मेल्स का शौक कराते हैं हम लोग, टेडी मेल्स का, ठीक है? अभी झाड़ पे वैसे तो कबूतर नौवीं कली गिरा रहा है, दसवीं कली है इसकी, ठीक है? इसकी पूंछ का शौक कीजिए, इसके पंजे, और अभी आपको एक साथ पूरे डिस्प्ले पे दिखाएंगे हम लोग छोड़ के, ठीक है? प्योर टेडी, ठीक है? और इनके बच्चे आपको अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, सबको एक साथ ये कबूतर देखिए आप, स्टैंडिंग चेक कीजिए इन कबूतरों की, बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ किस्म के कबूतर हैं ये, देखिए बेहतरीन।
भाई इन कबूतरों को देखने के बाद कोई कमेंट्स नहीं निकल रहा है मुझसे, ठीक है, तो आप खुद ही जजमेंट लगा लीजिएगा। और कबूतर अपने आप में एक बेहतरीन नमूना है। भाई ये जो कबूतर है आपने शायद ही कहीं मतलब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से पाकिस्तान में अगर कहीं दिख गए हो तो दिखे होंगे आपको ये कबूतर, ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं। देखिए आपको